यार अमर तो कुछ भी गया। वैसे जब से निशा तेरी जिंदगी में आई है तो काफी बदल गया। तेरा कहना बिल्कुल सही है राजन। अब जनाब के पास हमारे लिए फुर्सत कहाँ। हाय कभी वक्त था जब हम एक साथ घूमते थे कॉलेज में, मगर पहले अब तो जनाब को सिवाय निशा के कुछ याद ही नहीं रहता। लगता है तुम लोगों में अक्ल की जरा कमी है। हो सकता है। भाई निशा से मैं प्यार जरूर करता हूँ जी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम लोगों को भूल गया हूँ। अगर ऐसा ही होता तो आज हम सागाम ना जा रहे होते। अच्छा हुजूर, मान लिया आपकी बात, मगर हुजूर अब आप बातें ही बनाते रहेंगे या हमें सागाम भी पहुँचाएंगे। गाड़ी जरा तेज चलाइए। जैसा आप कहो। यार अमर वैसे तो कुछ भी क्या, लेकिन जब से निशा तेरी जिंदगी में आई है तू काफी बदल सा गया। ओ सामने देख लो। राजन तू ठीक तो है? हाँ हाँ यार मैं ठीक। अमर 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 यार प्रशांत, अमर को तो जल्दी से हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। हाँ यार, मगर बाबूजी अस्पताल तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पहुँचते बहुत समय लग जाएगा। मगर चिंता मत करो। तो फिर कैसे करें? हाँ यहाँ से थोड़ी दूर कस्बे के पास डॉक्टर बाबू हैं, हम उन्हीं के पास ले चलते हैं। प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप अमर का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें। अगर अमर को कुछ हो गया तो? देखिए इनका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, मैं इनके जख्मों को देखता हूँ, मगर लगता है इनको खून देना पड़ेगा। आप कहीं से भी इनके लिए खून का इंतजाम करिए। मगर डॉक्टर खून मिलेगा कहाँ से? इंतजाम हो जाएगा बाबूजी, हम जानते हैं उस ब्लड बैंक को जहाँ से खून मिलेगा। आप मेरे साथ चलें। तुम्हें मालूम है खून कहाँ से? हाँ मुझे मालूम है। मुझे जल्दी वहाँ लेकर चलो। चलो सुनो प्रशांत, तुम्हें अमर का ब्लड ग्रुप मालूम है क्या? हाँ हाँ मुझे याद है। ब्लड यहीं से मिलेगा भाई साहब। एक बोतल खून चाहिए, बी पॉजिटिव। कितने पैसे हुए? 500 रुपए। एक बोतल बी पॉजिटिव। डॉक्टर साहब ये रहा खून, लीजिए। ये सब कैसे हो गया? तुझे कुछ भी याद नहीं? यार इतना याद है, ट्रक के आते ही मैंने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया था। बस स्टीयरिंग घुमाते ही कार पेड़ से टकरा गई और उसके बाद हम तुझे यहाँ ले आए। घबराने की अब कोई बात नहीं है, अब ये ठीक है। क्या सोचा था यार और क्या हो गया, सागाम जाने की सारी प्लानिंग चौपट हो गई। शुक्र करो यार कि जान बच गई। सागाम आज नहीं तो फिर कभी चल पड़ेंगे। वाकई यार ऊपर वाले की मेहरबानी से बच गए हम लोग, नहीं तुझे बेहोश देखकर तो मैं घबरा ही गया था। अमर मुझे लगता है कि तेरे डैडी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं यार इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, कल तो हम घर जा ही रहे हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके बेटा, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं डैड, सागाम जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मगर अंकल अब घबराने की कोई बात नहीं है, अमर अब ठीक है। तो बेटे कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाया करो, लेकिन तुम मुझे मानते। एक ही डैड, मुझे कुछ नहीं हुआ है। It is okay for me. आइए आइए शांति देवी, आइए देखिए अपने लाडले को, क्या हालत बना रखी है इसने। ये क्या हो गया बेटा? माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ठीक तो है? अच्छा अमर तू आराम कर, अब हम चलते हैं। बाय अंकल, बाय बाय बाय। ओके मिलते हैं। देखो अमर बेटे, अब ये मौज मस्ती, ये यारी दोस्ती बहुत हो गई है। तुम कॉलेज के फाइनल ईयर में हो और मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे बिजनेस में हाथ बटाओ। ओके डैड, आई विल जॉइन यू। ओहो, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए ना, मेरा बेटा साफ संभालेगा। आप आराम करेगा, कुछ जूस वूस पिएगा। चलो जूस पिलाइए इसको, जूस पिलाइए। सो कौन कहता नहीं पिलाइए? आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ले जाओ इसको, ले जाओ। चलो आराम करो, आप जरा अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। प्रशांत, तुम लोग सागम जाने वाले थे ना पिकनिक के लिए, क्या हुआ, गए नहीं? और आज कहीं अमर भी नजर नहीं आ रहा। हाँ गए थे मगर आधे रास्ते से ही वापस आ गए। आधे रास्ते से? मगर क्यों? क्योंकि रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? मगर घबराने की कोई बात नहीं है, ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक ठाक है। हाँ वो अमर के कंधे का घाव जरा गहरा था, इसलिए शायद आज वो कॉलेज नहीं आएगा, घर पर आराम कर रहा होगा। अजीब लोग हो तुम, मुझे पता है क्यों नहीं। कैसी बात करती हो निशा, तुम हमें मिली ही कब थी जो हम तुम्हें बताते। ओके। अरे निशा तुम कहाँ चली? अमर क्या उसे देखने। लगता है तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो देखिए अमर साहब चले आ रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। कैसे अमर? प्रशांत ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं बाबा, थोड़ा सा जख्म आ गया है, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर थोड़ी देर तुम और ना आते तो निशा तुम्हारे घर पहुँच गई होती तुम्हें देखने। ओहो यार अमर, तुम भी कमाल करते हो, क्या जल्दी थी कॉलेज आने की। घर पर एक दो दिन रेस्ट करो। यार घर में बैठा बोर हो रहा था, सोचा तुम लोगों से मिलना भी हो जाएगा और इसी बहाने निशा से बातें भी हो जाएंगी। क्या बहानेबाजी कर रहा है यार, साफ कहना तू निशा से मिलने आया। ऐसा ही समझ लो। तो फिर तुम अपनी राह लो और हम अपनी लेते हैं। तो चले निशा फिर। ओके बाय बाय। ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत जगह है ना? तुमसे ज्यादा नहीं। सच अमर, तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुन के तो मैं बहुत घबरा गई थी। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। ये जख्म ज्यादा गहरा तो नहीं है ना? कौन सा जख्म? तुम्हें तो कोई चोट भी नहीं लगी। मैं इस जख्म की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे माथे पे नजर आ रहा है। ओह निशा, इस मामूली सी खरोंच को तुम जख्म कहती हो? दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी अक्ल की। अमर, कॉलेज में हमारा ये लास्ट ईयर है तो एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। अच्छा 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 अच्छा, कॉलेज में हमारा ये लास्ट ईयर है? यार मैं तो भूल ही गया था। भाई तब ये एग्जाम कब है? जनाब फॉर्म भरे जा चुके हैं और आपने भी फॉर्म भर दिया है। नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम है। अब ये नहीं पूछना एग्जाम में करना क्या है। सच निशा, मुझे तो मालूम ही नहीं कि एग्जाम में क्या करना होता है। बहुत मजाक हो गया अमर। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम भी वही सोचते हो जो मैं सोचती हूँ? बिल्कुल, जो तुम सोचती हो वही मैं सोचता हूँ। अच्छा तो तुम क्या सोचते हो? यही कि अब हमारे एग्जाम है, तुम तो पास हो जाओगी। अपना कोई भरोसा नहीं, फिर ना जाने तुम कहाँ और मैं कहाँ। और उसके बाद क्या होगा मुझे सब पता है, इसलिए तुम अपने ख्यालों में खोए रहो और मैं जा रही हूँ। अरे निशा तुम तो बुरा मान गई। अरे निशा मैं तो मजाक कर रहा था। ये मजाक नहीं था अमर, जो तुम्हारे दिल में था तुमने कह दिया। मगर जो अब कह रहा हूँ निशा वो हकीकत है, और हकीकत ये है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। निशा मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे। और जानती हो इस प्यार का अंजाम क्या होगा? क्या होगा? यही कि हम दोनों एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। निशा जब से तुम्हें देखा है दिल में बस एक ही तमन्ना है कि तुम मेरी हो जाओ, सिर्फ मेरी। अमर तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन भी अधूरा है। मैं तो तड़प रही हूँ कब से उस मंजर को जब तुम मुझे अपनी कहोगी। निशा तुम्हारे बिना तो मैं अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। बस एग्जाम हो जाए तो हम दोनों एक हो जाएंगे। और तुम तो जानती ही हो कि हमारे मम्मी पापा सब जानते हैं। अमर, मुझे एंशिएंट इंडिया के नोट्स चाहिए थे। एक्चुअली मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था। श्योर, व्हाई नॉट? अमर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अमर, तुम और निशा, आई मीन टू से निशा और तुम कॉलेज की काफी फेमस पर्सनालिटीज बन गए हो, नहीं? प्रीति, तुमसे क्या छिपाना यार, निशा मुझे बहुत अच्छी लगती है। यू नो आई लाइक हर। निशा बहुत लकी है, आखिर बाजी मार ही गई। खैर छोड़ो। लकी तो यार मैं अपने आप को समझता हूँ, जो निशा जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई। कौन किसकी जिंदगी में आया भाई? हाय निशा, कैसी हो? अभी अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो सब छोड़ो, पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मगर कहाँ? मेरे घर। सी यू प्रीति, है बाय। माँ, ये निशा है। ओह निशा, आओ बेटी बैठो। अमर तो तुम्हारा हमेशा तारीफ करता है, लेकिन तुम भी तारीफ के काबिल हो। माँ, मैंने ठीक ही कहा था ना, मेरी सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। देखो बेटी, हमारा बेटा यही सब कुछ है। अब ये थोड़ा लापरवाह है माँ, लेकिन यही है, तुम जब इस घर में आओगी तो सब जिम्मेदारियों में जकड़ जाएगा, ठीक है ना? आंटी, मैं अब चलूं, देर हो रही है। दिल तो नहीं कर रहा, जाने दे। माँ इसे जल्दी है, थोड़ा घर में काम है। अगर आप कहो तो मैं छोड़ आता हूँ। अच्छा बेटा। अच्छा माँ, मैं छोड़ के आता हूँ। ठीक है, चलो। बेटे अमर, यस डैड, अब तो तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए। तुम्हें मालूम है, आज से तुम्हारे नए करियर की शुरुआत है। और तुम्हें यह भी याद होगा कि आज तुम ऑफिस आ रहे हो अपना काम संभालने। यस डैड, मुझे सब याद है, बल्कि मैं आप ही के साथ आज ऑफिस चल रहा हूँ। गुड, आई एम हैप्पी। थैंक यू डैड। बेटे अमर, ये बताओ, तुम्हारी माँ तो निशा की बहुत तारीफ कर रही है, क्या वो वाकई तारीफ के काबिल है? अरे ये क्या बताएगा, निशा यकीनन बहुत अच्छी लड़की है, मेरी नजर में कभी धोखा खा ही नहीं सकती। अरे वाह, फिर देर काहे? उसको तो जल्द इस घर की बहू बन जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। क्यों महसान? जैसा आप ठीक समझे डैड। कम ऑन, ऑफिस चलते हैं। आ जाओ। सी यू मॉम। शाम को जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ जल्दी आते हैं। टेक केयर। आ जाओ। सी यू मॉम। हाँ बेटे आओ। हाँ देखो शांति, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ हाँ अमर इज विद मी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। मॉम भी डैड, दिस इज योर कंप्यूटर सेक्शन, और ये है तुम्हारा अकाउंट्स रूम, जहाँ तुम्हारे ऑफिस बियर्स काम करते हैं। आ जाओ। एंड यू सी, दिस इज योर काउंटर। गुड मॉर्निंग। और मैं तुम्हें तुम्हारे केबिन में ले जाता हूँ। तो मैं डाल लेना है। कम ऑन, आओ बेटे आओ। बेटे इस कुर्सी पर मैं पिछले 15 साल से बैठ रहा हूं, और मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि ये मैं ईमानदारी से काम करूं और अपना जो काम है उसे अच्छे ढंग से निभाऊं। और बेटे यही वजह है कि हमारी बिजनेस काफी तरक्की कर गई। बेटे अमर, आज से इस कुर्सी पर तुम्हारा अधिकार है। थैंक्स सर। और बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये काम अच्छी तरह से निभाओगे। यस डैड, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। हाय माय डार्लिंग, टेक योर सीट। कम ऑन बेटे। थैंक यू डैड। सर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये साइन करने हैं सर। मिस्टर तनेजा जी, आज से इन फाइलों पर मेरा बेटा अमर साइन किया करेगा। राइट सर। क्योंकि आज से अमर ही इस चेयर पर बैठ रहा है। राइट सर। ओके बेटा, टेक केयर। सी यू डैड। ओके तनेजा। Thank you, sir. See you. अमर। हाँ माँ, बेटे तुम्हारा दोस्त प्रशांत आया हुआ है। प्रशांत कहाँ है? वो अंदर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। अच्छा माँ आप चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो प्रशांत। हेलो अमर, कैसे हो तुम? बस यार। और सुनाओ। बैठ। और सुना, आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? याद है वो कॉलेज के दिन या सब कुछ भूल गया? सब कुछ याद है यार, कुछ भी नहीं बोला। अच्छा ये बता, ये राजन और सागर कहाँ है आजकल? सागर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ राजन विदेश में है, वहीं नौकरी करता है। बस यार, यार कॉलेज क्या छूटता है, सभी यार एक एक करके बिछड़ जाते हैं। तू सुना, क्या कर रहा है आजकल? स्ट्रगल। स्ट्रगल? हाँ यार स्ट्रगल, जिंदगी भी तो एक स्ट्रगल ही है। ये बात दूसरी है कि कई लोग संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को छू लेते हैं और कई लोगों को जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ता है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। यार तेरी ये फिलॉसफी जानने की आदत अभी तक गई नहीं। तू ये बता तुझे प्रॉब्लम क्या है? यार अमर, तुम लोगों के पेरेंट्स तो बिजनेसमैन हैं और मुझे तलाश है एक नौकरी की, और नौकरी है कि मिलती नहीं। बस इतनी सी बात, समझ ले तुझे नौकरी मिल गई। मगर कहाँ? मेरे साथ, मेरे ऑफिस में। अमर मैं ये तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान वहसान छोड़े यार, चल ऑफिस चलते हैं। आज से तुम इस कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट देखोगे, और वो भी मैनेजर की हैसियत से। थैंक्स अमर। थैंक्स क्या यार। हाँ मिस्टर तनेजा प्लीज कम इन। रिलैक्स। यस सर। तनेजा जी, ये है मिस्टर प्रशांत जी, इस कंपनी के नए सेल्स मैनेजर। इनको इनका कैबिन दिखा दीजिए। आइए सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। सर ये आपका कैबिन, और सर ये फाइल है, इसमें कंपनी की डीलों के एड्रेसेस हैं। थैंक यू मिस्टर तनेजा। यू आर वेलकम सर। सर हेलो। ओ हाय निशा। हेलो अमर, कैसे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बस ऑफिस का ही काम कर रहा था, लेकिन आज कुछ दिल नहीं लग रहा। आज शाम को मिलते हैं, कुछ चेंज हो जाएगा और शायद तुम्हारा मूड भी बदल जाए। बिल्कुल ठीक। ओके ओके बाय। देन सी यू बाय। अमर तू कब आया बेटे? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं माँ, शरीर टूट सा रहा है। अरे तुझे तो बुखार भी है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। क्या बात है, किसे फोन करना है? अमर की तबीयत ठीक नहीं है, इसे बुखार है। क्या बात है बेटे? अरे हाँ बुखार तो है। आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। कौन? डॉक्टर साहब हाँ मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ। ऐसा कि अमर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आपने ऑफिस का बंधन डालकर इसे जिम्मेदारियों में जकड़ दिया है, इसलिए तो इसकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, ये हमेशा खोया खोया रहता है। हाँ तुम्हारी बात शायद ठीक रहती है, तुम अगर चाहो तो कुछ दिन के लिए घूमने जा सकते हो फॉर अ चेंज। ऐसी बात नहीं है डैड, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा पा रहा हूँ। बेटे मुझे अच्छी तरह मालूम है, तुम तो बिजनेस के वो नस नस से वाकिफ हो गए हो। आई एम वेरी हैप्पी दैट वे। हेलो मिस्टर अग्रवाल, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए कहो अमर बेटा, क्या हाल है? ठीक हो अंकल, डैड तो बस ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। अरे भाई बड़े जो कुछ कहते हैं वो सही कहते हैं। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें चेक कर देता हूँ, सांस लो जोर जोर से। एक और, भाई कोई खास बात नहीं है, दरअसल काम ज्यादा करने की वजह से एग्जेशन हो गया है। मैं तुम्हें दवाई लिख देता हूँ, इसको आप मंगवा लीजिएगा और उसके बाद जो है तो 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक, ये लीजिए। ओके बेटे, गेट वेल सून। है अच्छा मिस्टर अग्रवाल, मैं आपको छोड़ता हूँ। अच्छा नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही हो, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अंकल ये डॉक्टर यहाँ, अमर को क्या हुआ? बस हल्का सा बुखार हो गया तो इसकी माँ बहुत घबरा गई। He'll be all right soon. शांति जी मैं जरा काम से जा रहा हूँ, ये बात होती है। आइए इन बच्चों को बात। क्या बात है अमर, ठीक तो हो? ठीक हूँ निशा, और अब तुम आ गई हो तो दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने आती हो तो बड़ी मीठी मीठी बातें बनाते हो, मुझे वहाँ इतनी देर तक इंतजार कराते रहे, खुद आए क्यों नहीं? और सॉरी निशा, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। रियली यार सॉरी, ना जाने क्या हो गया आजकल, सब बातें दिमाग से उतर जाती हैं। फिर तो जनाब आप ये भी भूल गए होंगे कि परसों हमारी सगाई है। ये कैसे भूल सकता हूँ निशा, और अब तो इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो रही हैं, और इसके बाद तो हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे निशा। कांग्रेचुलेशंस माय सन। मुंह मिटा कीजिए। वाह आपको भी मुबारक, हम आपको पहले तो खूब खिलाए, बहुत दिनों से इनका इंतजार। प्रशांत बेटे खाए जाओ खाए जाओ। बहुत अच्छी बर्फी है, बहुत अच्छी बर्फी है। खिलाया आपने? बस खुद ही खाए जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भारद्वाज जी एक जमाना था औलाद की शादी ढूंढते ढूंढते माँ बाप के जूते घिस जाते थे, और आज का जमाना देखिए, आज इश्क हो गया कल शादी। तो इसमें हाजी क्या है, अपने अमर को लो, कितनी प्यारी बहू ढूंढी है हम लोगों के लिए। वाह अपना जमाना याद आ रहा है। मगर आंटी अंकल अपना अमर भी किसी से कम नहीं है, लाखों में एक है मेरा यार, मुझे फक्र है कि अमर मेरा यार है। अमर की सिफारिश कर रहा है, क्या शादी की मर्जी है भाई, तुम्हारी भी शादी होगी। क्या है आजकल के ये नौजवान। फिर ये देर आएगी, मैं शादी की तारीख तय करवाता हूँ, मुहूर्त निकलवाते। देखिए अग्रवाल साहब मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, जैसा आप ठीक समझे। फिर हम तारीख पक्की करवाते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो हाँ मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ भाभी नमस्ते, मैं प्रशांत। हाँ प्रशांत कैसे हो? अमर कहाँ है? अमर शायद आज ऑफिस नहीं आएंगे, कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ वो शायद घर पे ही होंगे। ओह अच्छा ठीक है, ओके बाय। बेटा क्या बात है, आजकल ना तुझे भूख लगती है, हर हमेशा परेशान सा रहता है, आखिर बात क्या है? माँ आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस आराम करने को दिल करता है। नमस्ते आंटी। क्या हुआ अमर? मैंने ऑफिस में फोन किया था तो प्रशांत ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं, जाने किन ख्यालों में खोया रहता है। अब तुम ही आ गई हो, तुम ही पूछो इससे क्या बात है। ओ माँ, कोई बात हो तो बताओ ना, तुम तो खामखा। अमर एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, डॉक्टर बनर्जी, मेरे अंकल हैं। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। और निशा प्लीज, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आज बस ऑफिस जाने का मूड नहीं था तो। तुम ठीक कह रही हो निशा बेटी, अपने साथी से ले जाओ। चलो ना अमर। गुड मॉर्निंग अंकल। हेलो निशा, हाउ आर यू? फाइन। अंकल इनसे मिलिए, ये अमर है। अमर? अच्छा, यानी तुम्हारे होने वाले हस्बैंड। क्यों राइट? और कहो निशा बेटे, कैसे आना हुआ? अंकल आप अमर को चेक कर लीजिए। भाई ऐसी क्या बात हो गई जो इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई? अच्छे खासी तो हैं। क्यों अमर, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आपका कहना बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशा तो बस ऐसी। ओके ओके, इट्स ऑल राइट। आप इधर आइए, मैं आपका जरा चेकअप कर लूँ। आइए बैठिए। सांस लो जोर से। यहाँ एक बार फिर सांस लो। ठीक, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस जनरल वीकनेस लग रही है, मगर ऐसी वीकनेस होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, मैं आपका ब्लड ले लेता हूँ टेस्ट के लिए। सिस्टर इनका ब्लड ले लो टेस्ट के लिए। जाइए। भाई निशा, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चॉइस की। अमर बहुत अच्छा लड़का है। शादी कब की है? नेक्स्ट वीक में ही। आप आइएगा ना अंकल? भला ये भी कोई पूछने की बात है। आओ अमर बैठो। अमर, ये कुछ मेडिसिन्स हैं, इन्हें रेगुलरली खाते रहना। ठीक? थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हेलो अमर। हाय निशा। ओह हाय प्रीति, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यार कॉलेज के बाद कभी मिलना ही नहीं हुआ। तुमने मिलने की कोशिश ही नहीं की तो मिलते कैसे? अमर, तुम्हारी दी हुई एक चीज अभी भी मैंने संभाल के रखी है। कौन सी चीज? अरे भूल गए, याद नहीं? तुम्हारी बुक्स और तुम्हारे हाथ के लिखे कुछ नोट्स। ओह प्रीति, ना तो मुझे अब उन बुक्स की जरूरत है ना ही उन नोट्स की। तुम उन्हें अपने पास रख सकती हो एज अ गिफ्ट। थैंक यू। बाय द वे आजकल तुम कर क्या रही हो? कुछ खास नहीं, तलाश। तलाश? तलाश कर रही हूँ एक ऐसे लड़के की जिसके साथ मैं घर बसा सकूँ। जब तलाश पूरी हो जाए तो हमें भी बुला लेना शादी में, हम भी आएंगे विश करने। चलो अमर, देर हो रही है। बाय बाय। हेलो, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ। ओह डॉक्टर साहब आप, कहिए कैसे याद किया? अमर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ मेरे क्लिनिक पर आ जाओ। क्लिनिक पर आ जाओ? मगर क्यों? ओ बेटा, मुझे जो तुमसे ज़रूरी बात करनी है वो इस तरह टेलीफोन पे नहीं की जा सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ क्लिनिक पर आ जाओ, मैं तुम्हारी वेट करूँगा। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। डॉक्टर साहब आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? अमर, अब कैसा फील कर रहे हो? मैंने जो मेडिसिन दी उससे कुछ फर्क पड़ा? यस डॉक्टर, इनफैक्ट पहले से काफी बेटर फील कर रहा हूँ। गुड, बैठो। थैंक यू डॉक्टर। अमर, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, और कभी कभी जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पे ला खड़ा कर देती है जहां उसे अंधेरे के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अगर इंसान हिम्मत और धीरज से काम ले तो उम्मीद की रोशनी उसे मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जिस इंसान में हिम्मत और लगन ही ना हो वो इंसान जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो इंसान ही क्या जिसमें हालात से सामना करने का धीरज ही ना हो। वेरी गुड। मुझे यकीन था कि हालात के साथ संघर्ष करने का जज्बा तुम्हारे अंदर जरूर है। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए आपने मुझे बुलाया क्यों था? अमर, समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब हुआ कैसे। क्या हुआ डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए। अमर, तुम HIV पॉजिटिव हो। देखो अमर, हिम्मत से काम लो। और फिर अभी तो तुमने कहा था वो इंसान ही क्या जिसके अंदर हालात से सामना करने का साहस ना हो। ये सब कैसे हो गया डॉक्टर साहब? तुम्हें तो मालूम ही होगा कि एड्स किन किन कारणों से फैलता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रखने से जो HIV पॉजिटिव है एड्स हो सकता है। गर्भवती महिला अगर इस रोग से पीड़ित है तो उससे जन्मे बच्चे को भी एड्स हो सकता है। एड्स के विषाणु से प्रदूषित रक्त चढ़ाने से भी एड्स होता है। नाड़ियों में इंजेक्शन के द्वारा नशा लेने वाले लोग यदि एक ही सुई का प्रयोग करें तो उन्हें भी एड्स हो सकता है। कुछ भी हो डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी जिंदगी ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया। देखो बेटा, हिम्मत और जीवन के प्रति जीने की चाह से अभी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया के तमाम डॉक्टर, साइंटिस्ट एड्स जैसे दानों को जड़ से उखाड़कर फेंक देने की कोशिश में है। और फिर वैसे भी एक HIV पॉजिटिव को 8-10 साल में एड्स होता है। और बेटे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुम HIV पॉजिटिव हो, HIV पॉजिटिव हो, HIV पॉजिटिव हो, HIV पॉजिटिव हो। गुड मॉर्निंग सर। कहो प्रशांत, क्या बात है? सर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं बॉम्बे वाली कंसाइनमेंट के, अगर आप इन्हें चेक कर लें तो ठीक रहेगा। तुमने चेक कर लिया ना? जी। तो ठीक ही होगा, मुझे चेक करने की क्या जरूरत? नहीं, ये नहीं हो सकता सर, फाइनल अथॉरिटी तो आप हैं। देखो प्रशांत, तुमसे कह दिया ना, मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहने दो। कैसी बात करते हैं सर, ये कागजात बहुत जरूरी हैं, लाखों का नफा नुकसान जुड़ा हुआ है इनके साथ। नफा हो या नुकसान हो, मुझे इससे क्या, और अब बचा ही क्या है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अमर, एक दोस्त होने के नाते पूछ सकता हूं कि आखिर बात क्या है? मैं तेरा दोस्त हूं अमर, और तेरे बहुत एहसान है मुझ पर। तेरे लिए अगर मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मुझे इतना तो बता मेरे दोस्त कि बात क्या है। सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कुछ ज्यादा ही कह गया। तू जा, मैं चेक कर दूंगा। ठीक। हेलो प्रशांत। हेलो प्रीति, कैसी हो? देख नहीं रहे, बिल्कुल फिट। अच्छा, तुम्हारा दोस्त अमर कैसा है? जनाब ऑफिस में ही है? हाँ, अमर अपने ऑफिस में ही है। ओके, बाय बाय। हाय अमर। हाय। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती चलूं। और भाई क्या चल रहा है? तुम शादी कब कर रहे हो? निशा तो शायद ही मुझे शादी पर बुलाए, बट हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मुझे शादी पर जरूर इनवाइट करोगे। am I right? देखो प्रीति, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत बनी रहे तो प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। अमर, तुम इतने क्रेजी हो सकते हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी तुम्हारी इज्जत करती हूँ और तुम्हें अपना समझकर तुमसे मजाक कर लेती हूँ। अगर मैंने निशा के बारे में कोई बात छेड़ भी दी थी तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या जरूरत थी? कौन है निशा? क्या कहना चाहती हो तुम निशा के बारे में? यही ना कि मैं निशा से शादी कब कर रहा हूँ? तो सुन लो प्रीति, मेरा निशा से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर अमर, आपके क्या इरादे हैं क्या नहीं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। और हाँ, मैंने यहाँ पर आकर अगर आपको डिस्टर्ब किया तो सॉरी फॉर दैट एंड बाय बाय। कौन है निशा? मेरा निशा से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। कौन है निशा? मेरा निशा से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। हेलो, मैं निशा बोल रही हूँ। निशा तुम? हाय, ये अचानक से फोन करने की वजह? मुझे तुमसे मिलना है। क्या? मुझसे? आई एम सरप्राइज निशा। अच्छा बोलो क्यों? वो मैं मिलने पर ही बताऊंगी। ठीक है, एज यू विश। मगर ये तो बताओ कि मिलोगी कहाँ पर? सेंट्रल पार्क के लॉन में। अच्छा अच्छा, सुनो निशा, अमर को भी साथ ले आना, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। प्रीति, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इसलिए तुम अकेले ही आओगी। ठीक है, as you wish। Okay, bye। और निशा, कैसा चल रहा है? अच्छा, ऐसी कौन सी बात करनी थी जो तुमने मुझे ही बुलाया है? बोलो भाई, कहीं अमर से कुछ अनबन तो नहीं हो गई? प्रीति, तुम अमर को कब से, मेरा कहने का मतलब अमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अमर एक खूबसूरत और एक अच्छे घर का लड़का है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है प्रीति जो तुम समझ रही हो। तो तुम मुझसे अमर के बारे में क्या जानना चाहती हो? वैसे भी मुझसे ज्यादा तुम अमर के बारे में जानती हो। आई मीन टू से, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और तुम दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। बट निशा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि एकदम से ये अमर के बारे में इतनी इंक्वायरी क्यों? हाँ, मुझे यकीन है प्रीति, तुम इस बात से इनकार नहीं करोगी कि अमर के लिए तुम्हारे दिल में जगह है। और तुम तो जानती हो प्रीति कि अमर से मेरी शादी होने वाली है, और शादी के पहले मेरे लिए ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि अमर के दिल में किसी और का ख्याल तो नहीं है। और मेरा मतलब तुमसे था। निशा, तुम्हारे दिल में अमर के लिए इतने बुरे ख्यालात? मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि अमर और मेरे क्या संबंध हो सकते हैं। ये तुम्हारा दिल ज़्यादा अच्छे से जानता है कि मेरे और अमर के क्या संबंध हो सकते हैं। समझने की कोशिश करो प्रीति, कॉलेज के दिनों में जिस तरीके से तुम अमर से मिला करती थी और जिस तरीके से तुम उससे बात किया करती थी, क्या ये किसी के भी दिल में शक पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं? ठीक है निशा, मैं मानती हूँ कि मैं अमर से प्यार करती थी, मगर मेरा प्यार एक तरफा था। अमर सिर्फ तुमसे प्यार करता है और करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। और मेरी बात मानो तो तुम भी अमर से अगर प्यार करती हो तो उसके बारे में जो भी गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो निशा, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। बाय। यू जस्ट टॉक टू हिम, ओके? बस फोन ही फोन, इधर भी तो देखिए ये हार कैसा लगेगा अपनी बहू निशा पे। देखो निशा तुम्हारी बहू है, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद ये हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि निशा जब बहू बनकर हमारे घर में आएगी तो हमारा घर खुशियों से चहक उठेगा। बेटा अमर, हाँ माँ, ये हार कैसा है? ठीक ही है माँ। अपनी बहू पे कैसा लगेगा? मेरी एक रिक्वेस्ट है माँ, क्या आप मेरी बात मानोगी? माँ, ये माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ये क्या मजाक है अमर? शादी की तैयारी तो पूरी हो चुकी है और तुम कहते हो कि मैं शादी नहीं करूंगा? What the hell you are telling me? Dad, please। बेटा, कोशिश तो तब करे ना जब हमें किसी बात का पता हो। और फिर निशा तो तुम्हारी अपनी पसंद है, तुम दोनों एक दूसरे को चाहती हो, प्यार करते हो, फिर ये क्या? आपको कैसे समझाऊं? इस शादी में सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है। अमर, ये तुम क्या कह रहे हो? जिस निशा का नाम तुम्हारे जुबान पर 24 घंटे गूंजा करता था, और आज यही कदर है तुम्हारे दिल में निशा की कि तुम अपने ही होने वाली पत्नी के दिल में बेवफाई का खंजर घोंप दो। अमर, मैं नहीं जानता था कि तुम अपने विकार से इतना नीचे गिर सकते हो। माफ कीजिए, अमर अपने विकार से बिल्कुल गिरा नहीं है। अमर जो कुछ बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आपकी तारीफ? मुझे डॉक्टर बैनर्जी कहते हैं। अमर मुझे अच्छी तरह जानता है। मैं इसी से यहाँ मिलने आया हूँ। अमर से मिलने? क्या हुआ अमर को? मेरे ख्याल से अमर तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज। देखो अमर, ये ऐसी बात नहीं है जिसे बहुत दिनों तक छिपाया जा सके और फिर कब तक किसी को अंधेरे में रखा जा सकता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अमर HIV पॉजिटिव है। क्या? नहीं, आप क्या कह रहे हैं अंकल? निशा अमर को? नहीं अंकल, नहीं, ये कैसे हो सकता है अंकल? कैसे हो गया? बेटे हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। अंकल नहीं, नहीं बेटे, हिम्मत से काम लो। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अमर मेरा बेटा है, मैं अमर को अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उसे कोई लत नहीं लगी है। देखिए, मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये हिम्मत हार जाएंगे तो अमर का क्या होगा? अब सवाल ये है कि अमर को ये एड्स जैसी बीमारी लगी तो कैसे? किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रखने से जो HIV पॉजिटिव है, एड्स होता है। एक ही इंजेक्शन से नाड़ियों में नशा लेने वाले लोग जब एक ही सुई का प्रयोग करते हैं तो उन्हें भी एड्स होता है। गर्भवती महिला अगर इस रोग से पीड़ित है तो उसके होने वाले बच्चे को भी एड्स होता है। अब तुम्हें ये बीमारी कैसे लगी, इसका बेहतर जवाब तो तुम ही दे सकते हो ना? ये सब झूठ है डॉक्टर। मैं अमर का दोस्त हूँ। पिछले 5 साल से मैं इसको जानता हूँ। जो आप सोच रहे हैं इसके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ। रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। डॉक्टर साहब, अब बात करने के लिए रह क्या गया है, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, अमर ऐसा लड़का नहीं है। सुनो प्रशांत, तुम अमर को बहुत अरसे से जानते हो और उसके बचपन के दोस्त हो। अब मुझे भी ये यकीन होने लगा है कि अमर ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन फिर ये नामुराद एड्स की बीमारी उसे लगी तो कैसे लगी? वो किसी लत का शिकार भी नहीं, किसी के साथ उसके शारीरिक संबंध नहीं, फिर कभी किसी तरह का खून भी नहीं चढ़ाया गया। हाँ डॉक्टर साहब, याद आया, अमर को एक बार खून चढ़ाया गया था। कब? आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, जब हम सागम पिकनिक मनाने जा रहे थे कि अचानक। और उस वक्त मैं ही ब्लड बैंक से खून लेकर आया था। वो ब्लड बैंक यहां से कितना दूर है? यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर होगा वो ब्लड बैंक। तुम्हें मेरे साथ वहां चलना होगा। हो ना हो, अमर की एड्स की बीमारी का कारण वही बैंक हो। इससे पहले कि कई और मासूम इस बीमारी के शिकार हो जाएं, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं एड्स कंट्रोल ब्यूरो को खबर कर देता हूं। जिंदगी हमारे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो मैं नहीं जानती अमर। पर अमर, मेरा यकीन करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी संदेह नहीं है। अमर, तुम मुझसे प्यार कर दो, सिर्फ मुझसे। अमर, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मगर इस बात का भी तो विश्वास करना पड़ेगा कि जो ख्वाब मैंने देखे थे वो आज तिनका तिनका होकर बिखर गए हैं। जिंदगी ने आज हमें इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। नहीं अमर, नहीं, प्लीज ऐसा मत कहो अमर, हमारे रास्ते कभी अलग नहीं हो सकते। अनजान मत बनो निशा। एड्स का मतलब आज नहीं तो कल मौत है। मेरे रास्ते में सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं। तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे भूल जाओ निशा, मुझे भूल जाओ निशा, मुझे भूल जाओ। डॉक्टर साहब, यही है वो ब्लड बैंक जहां से मैं अमर के लिए ब्लड लेकर गया था। हमें आपके ब्लड बैंक से ब्लड सैंपल चाहिए टेस्ट के लिए। आप हैं कौन? मेरा हमारा आई कार्ड। और जब तक ब्लड बैंक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती हमें इस बैंक को सील करना होगा। ऑफिसर्स प्लीज टेक द सैंपल्स। आज से 1.5 साल पहले हुआ मेरी जिंदगी में वो हादसा मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। मैंने कभी सोचा भी ना था। अमर, इसका कसूरवार मैं ही हूं। ब्लड बैंक से खून मैं ही लेकर आया था। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। प्रशांत, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? यार, तुमने तो अपना फर्ज पूरा किया था और वैसे भी जो होना था वो हो चुका है। बेटे अमर, ये सोच मेरे मन में बेचैनी होने लगती है कि आज चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं ही नहीं, दुनिया के तमाम डॉक्टर आज अपने मरीजों के सामने शर्मिंदा है। इस नामुराद एड्स बीमारी के सामने लाचार हैं। लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। सही देखभाल और दवाओं से तुम अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ देख सकते हो। एड्स कोई छूत की बीमारी तो है नहीं, इसलिए तुम अपनी जिंदगी एक आम आदमी की तरह जी सकते हो। बेटे, साइंस ने बहुत तरक्की की है। मुझे उम्मीद है कि इसका इलाज एक दिन जरूर निकलेगा। डॉक्टर साहब, मैं अमर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अमर मेरा बेटा है। अगर आप कहेंगे तो मैं बेटे को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता हूं। जो हो चुका है डैड, उसे भूल जाइए। मैंने तो बल्कि ये निश्चय किया है कि अब एक ऐसी संस्था खोलूं जिसमें लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया जा सके। अमर बेटा, बेटे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक्स डैड।